वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत वफ़ाक़ी काबीना का इजलास मुल्क की सूरत हाल समेत 16 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया और इस्लामाबाद ग्रीन बेल्ट पर मॉडल जेल की तामीर रोक कर गिराने का फैसला करते हुए कहा गया कि मॉडल जेल की तामीर गैर कानूनी माहौलियाती कवायद की खिलाफ वर्जी थी। वफ़ाक़ी काबीना इजलास में दोहरी शहरियत वालों को इलेक्शन का हक देने के लिए आईनी तरमीमी बिल और सेनेट इलेक्शन की गैराशुमारी खत्म करने के आईनी तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लाहौर के करीब नया शहर बसाने के लिए रावी रिवरफ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रख दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने संग बुनियाद रखने की तरकीब से खिताब करते हुए कहा कि मुझे इस मंसूबे के जरिए नया पाकिस्तान नजर आ रहा है। ये मंसूबा आसान नहीं बल्कि बहुत मुश्किल है जिसमें रुकावटों ने आना है, लेकिन ये शहर लाहौर और पाकिस्तान की जरूरत है। लाहौर में 40% कच्ची आबादियां हैं और ये शहर तेजी से फैल रहा है। आर्मी चीफ ने शहीद के साल सवाब के लिए फातिहा अख्वानी की और शहीद की बहादुरी को खराज अकीदत भी पेश किया। नासिर हुसैन शुमाली वजीरिस्तान में बारूदी सुरंग धमाके में शहीद हुए थे। आर्मी चीफ ने कहा कि नासिर हुसैन फौज की अदायगी के दौरान मादर वतन के लिए कुर्बान हुए। हमारे मुत्तहिद कौम के अज़्म को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान ने गैंग रेप करने वालों को सरेआम फांसी देने के लिए हुकूमत और अपोजिशन से मुत्तफिका कानून साजी करने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म सरेआम फांसी के हक में है, हमें ज्यादती की रोकथाम का मुस्तकिल हल चाहिए। लाहौर पुलिस ने ज्यादती केस में गिरफ्तार दहशत गर्दी अदालत में पेश किया, जहां अदालत से मुल्ज़िम के जिस्मानी रिकॉर्ड रिमांड की इस्तदा की गई। तमाम इस्तदाद दहशत गर्दी अदालत ने मुल्ज़िम शफकत को शनाख्ती परेज के लिए 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर भेज दिया। मुल्ज़िम शफकत की अदालत में पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे और मुल्ज़िम शफकत के चेहरे को झांप कर अदालत में पेश किया गया। पाकिस्तान तवील अरसों से कहता रहा कि अफगानिस्तान मसले का फौजी हल नहीं। उनका कहना था कि अफगानिस्तान का मुस्तकबिल मुज़ाकरात में है, पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन के लिए सहूलत का किरदार अदा करता रहेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज ने भारतीय वजारत खारजा अमूर के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा कि हम शंघाई तआवुन तंजीम के चार्टर के तहत तामीरी और मजबूत किरदार अदा कर रहे हैं। शंघाई तआवुन तंजीम के एनएससीज के इजलास में भारत ने पाकिस्तान के नक्शे पर एतराज करके माहौल खराब करने की कोशिश की। पाकिस्तान के अज़्म का अहादा करता है, हम इस मामले में भारत के बेबुनियाद इल्जाम मुस्तरद करते हैं। मेडल अवार्ड मिलने की खुशी में चैनल जेएनएन की ऑफिस मीरपुर माथेरो में केक काटा गया। चैनल जेएनएन के चेयरमैन राजा जमशेद को कहा जाता है गोल्ड मेडल अवार्ड मिलने की खबर सुनने के बाद डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मीरपुर माथेरो के सीनियर सहाफियों ने जेएनएन गोट की के ऑफिस पहुंचकर डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर लाला इसराफील खान को मुबारकबाद दी। अस्सलाम वालेकुम, जेएनएन के हेडलाइंस आपने जानी। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए जेएनएन न्यूज।